नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। अब आप एक बात बताइए, जो हमारे डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, क्या हम उसे छोड़ सकते हैं? क्या हम खाना बनाना छोड़ सकते हैं? क्या हम खाना बनाने में जो सामान यूज करते हैं उसे खरीदना छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो ये स्टॉक्स वैसे ही है जो हमारे कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। तो ये दो कंपनियां जो है कंज्यूमर सेक्टर के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, जो हम किचन में यूज करते हैं, अपने खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें से सबसे जो पहला स्टॉक है हमारा, वह है टीटी के प्रेस्टीज लिमिटेड। दोस्तों इसका मार्केट कैप है 8000 करोड़ का और इसकी करेंट प्राइस की बात करें तो 6000 रुपीज का ये प्राइस है। देख सकते हैं 6000 रुपीज का ये स्टॉक है। ये प्राइस महंगा क्यों है? क्योंकि इस कंपनी ने मात्र एक बार बोनस शेयर दिया है 2019 में। तो जो कंपनियां ज्यादा बोनस देती है उसके जो स्टॉक्स होंगे वो कम प्राइस में आपको देखेंगे, क्योंकि वो बार बार स्टॉक को तोड़ देता है। बार बार स्टॉक को तोड़ने से वो स्टॉक सस्ता हो जाता है। जब कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट नहीं करती, मतलब तोड़ती नहीं है, तो वो स्टॉक महंगा होते चला जाता है। जैसे MRF, कभी उस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट नहीं किया, बोनस नहीं, इसलिए वो महंगे स्टॉक्स हैं। और ये देखते हैं इसका जो लोवेस्ट प्राइस है वो है 3901 रुपीज। तो ये स्टॉक में उतनी गिरावट भी नहीं होती क्योंकि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। कैसे जानते हैं ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है? तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का जो रिजर्व है 1325 करोड़ का और जो डेट है कंपनी के ऊपर वो 14 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट जो कंपनी कर रखा है 667 करोड़ का और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो जो इक्विटी है कंपनी के पास उसके तुलना में डेट काफ़ी कम है। मात्र 14 करोड़ का कंपनी का डेट है, जबकि कंपनी का एनुअल प्रॉफिट जो है वो 148 करोड़ है। ये छोटा मोटा डेट तो कंपनी कभी भी चुका सकती है। तो इसलिए कंपनी जब फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो तो वो अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। साथ ही साथ देखिए प्रमोटर्स होल्डिंग भी काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ा सा पैंडमिक में प्रॉफिट प्रभावित हुआ, इसलिए ग्रोथ जो है वो निगेटिव में दिख रहा है प्रॉफिट का। और वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, जो कैपिटल एम्प्लॉयड करता है उस पर रिटर्न 20% का है कंपनी का, और जो रिटर्न है इक्विटी पर 16% का है। थोड़ा सा ये 20 के अबव हो तो ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन 16% भी ठीक है। फिर कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करेगी आने वाले समय में। कंजप्शन हमारा जो प्रोडक्ट का कंजप्शन है और ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ये कंपनी जो बनाती है कुकर बनाती है और जो हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो किचन में यूज होते हैं वो प्रोडक्ट बनाती है। तो जैसे जैसे हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे गैस को बढ़ा रहे हैं, मतलब जो खाना बन रहा है गैस पे ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले समय में और बढ़ेगा, तो ये कंपनी आने वाले समय में और अच्छा ग्रोथ देगी हमें। अगर इस कंपनी का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, कंपनी टेक्निकल रूप से स्ट्रांग है या नहीं। तो कंपनी का यहाँ पर देखिए चार्ट कितना सॉलिड है। पहले ये कंपनी जब हम लोग गैस काफ़ी कम यूज किया करते थे तो उस समय देखिए कंपनी का शेयर प्राइस काफी अंडर वैल्यूड था, और ये जब से 2009-10 से ये कंपनी का शेयर प्राइस अप ट्रेंड जो पकड़ा है देखते हैं, लगातार अप ट्रेंड में है, लगातार अप ट्रेंड। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म की रिटर्न की बात करें तो अगर हम 2001 से ही देखें तो 2001 से अगर अभी तक का रिटर्न की बात करें तो 47000% का, 47000% का रिटर्न, मतलब का जो रिटर्न है वो 470 गुना किया गया। अगर आप 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किए रहते तो ये 1 लाख रुपया को बना दिया था 4 करोड़ 70 लाख, 4 करोड़ 70 लाख आपको रिटर्न दिया। साथ ही साथ आप जो कहें 4 करोड़ 71 लाख आपका टोटल होता। अगर आप 10000 रुपया भी इन्वेस्ट किए होते, 10000 रुपया, तो आपका रिटर्न होता 47 लाख का, 47 लाख, मात्र 10000 आप इन्वेस्ट किए रहते। तो दोस्तों ये पावर होता है जो स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। तो अच्छे स्टॉक जो है जब भी गिरावट में मिलता है तो आपको इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का शेयर प्राइस में गिरावट यहाँ पैंडमिक आने के कारण हुआ था, तो ये कंपनी का शेयर प्राइस आपको 4000 पे मिल रहा था, अभी ये 6000 के आसपास ये कंपनी का शेयर प्राइस है, 5915 रुपीज़। तो जो भी स्टॉक का चार्ट जो हो इस तरह का अप ट्रेंड वाला हो, हम उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो चार्ट इस तरह का एकदम सॉलिड अप ट्रेंड वाला होना चाहिए। तो इस कंपनी का अगर आप चार्ट देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल अप ट्रेंड है, देख सकते हैं कंपनी का चार्ट बिल्कुल अप ट्रेंड है। तो इसी तरह का चार्ट वाले जो कंपनी है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। तो सिंपल गूगल में आपको कंपनी लिखना, उसके आगे शेयर लगाना है। तो जिस कंपनी का चार्ट आपको इस तरह का एकदम सॉलिड पैटर्न वाला दिखे उसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। तो काफी सिंपल है, सिंपल लॉजिक से आपको समझना है। अब दूसरी कंपनी जो है हमारा वो है हॉकिंस कुकर, जो कि इसी सेक्टर का है। ये भी कंपनी काफी बेहतरीन है। दोनों एक ही सेक्टर की कंपनी को मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हॉकिंस में इन्वेस्ट करें या टीटी के
प्रेस्टीज में इन्वेस्ट करें। दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट जो करना है दोनों कंपनियों में करना है, क्योंकि दोनों कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और दोनों एक दूसरे के कंपटीटर है। अगर आप दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हॉकिंस अच्छा रिटर्न देता है टीटीके प्रेस्टीज को अगर बीट करता है तो आपको इसमें भी रिटर्न मिलेगा, साथ ही साथ उसमें भी रिटर्न मिलेगा। दोनों कंपनियां फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड है। चलिए तो यह देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। इसका मार्केट कैप है मात्र 2992 करोड़ का, मात्र 2992 करोड़ का है, अभी 3000 से भी कम है मार्केट कैप। और अगर इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें 5657 रुपीज, तो दोनों कंपनी का शेयर प्राइस अप्रॉक्स इक्वल ही है, दोनों लगभग सेम प्राइस पे है। वह कंपनी के लो प्राइस की बात करें, इस साल इसका जो 52 वीक में लो प्राइस है वो है 3111 और जो हाइयर प्राइस है 6188 रुपया। और वहीं स्टॉक का पी की बात करें 46.5 का है, और जबकि इंडस्ट्री का पी जो है 63 का, अभी भी इंडस्ट्री के पी से काफ़ी सस्ते पे आपको मिल रहा है। अगर कंपनी के डेट की बात करें तो 16.4 करोड़ का डेट है, तो वहीं नेट प्रॉफिट जो है एनुअल नेट प्रॉफिट वो है 64.3 करोड़ का। तो देख सकते हैं कि प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि डेट को आसानी से चुकाया जा सकता है। कभी भी कंपनी अपना डेट चुका सकती है, अपना डेट जो है खत्म कर सकती है। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि पैंडेमिक कारण थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। रिजर्व की बात करें 124 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, जबकि कंपनी का इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी कुछ नहीं है, तो रिजर्व भी कंपनी के पास ठीक ठाक है। और वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड की बात करें तो 62% का रिटर्न है कैपिटल इम्प्लाइड पे, और रिटर्न इक्विटी देखिए कितना शानदार है, 56% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो इक्विटी पर रिटर्न 56% का, कैपिटल इम्प्लाइड पे 62% का, और कंपनी का फेस वैल्यू भी 10 है। अभी कंपनी स्टॉक स्प्लिट नहीं किया तो इसका भी बेनिफिट आने वाले समय में मिलेगा। और अगर डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड भी काफ़ी शानदार है, 1.41% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफ़ी शानदार डिविडेंड है। अगर और सारे पैरामीटर्स आप देखना चाहते हैं, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.13 का है, तो कुछ खास डेट कंपनी के ऊपर नहीं है। अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 10 इयर्स का, तो 10 इयर्स में जो एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 57 का है, तो लगातार अब मतलब कांस्टेंट रिटर्न को मेंटेन किया है कंपनी। अब बात करते हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट का, तो लॉन्ग टर्म का चार्ट कंपनी का काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बेहतरीन है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है ये काफ़ी सॉलिड है, देख सकते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट काफ़ी बेहतरीन है। तो जब जब कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर गया है तो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन देखने मिला है, देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने मिलेगा। तो यहाँ पे भी इसी तरह से कंपनी इस तरह से लगातार ऊपर जा रही, हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन देखने मिले आपको, तो इस करेक्शन में ही आपको बाय ऑन डिप्स करना है। और कंपनी के रिटर्न की बात करें तो कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। लॉन्ग टर्म रिटर्न यहाँ पर देख लीजिए, आपको चार्ट पर हम दिखाते हैं लॉन्ग टर्म कितना सॉलिड है, 14000% का रिटर्न दिया है 98 से। अगर उसके बाद 2001 में जो गिरावट आया था, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते तो आपको और ज़्यादा रिटर्न मिलता। 2001 में देख लीजिए 22000% का रिटर्न, तो रिटर्न काफ़ी बेहतरीन है कंपनी का, अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अभी भी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो अभी भी कंपनी के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट काफ़ी बड़ा है, हमारी पॉपुलेशन काफ़ी अधिक है, जिसके कारण जो हम अपने किचन में प्रोडक्ट यूज करते हैं काफ़ी ज़्यादा उसका डिमांड रहने वाला है आने वाले समय में। जैसे जैसे हम गैस का यूज बढ़ाते हैं एलपीजी का, तो हम स्टोव का भी यूज करेंगे, स्टोव का जब यूज करेंगे तो हम कुकर का भी यूज करेंगे, तो इस कंपनी को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों ये एक दो बेहतरीन स्टॉक्स थे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट सेक्टर है। तो अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर इंकरेज कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप ज़ीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ ज़ीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं। ज़ीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज़ पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।